चलिए देखिए, अपन लोग पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, उस पहले चैप्टर में कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था अक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता। बोलते जाना, बोल बन के मत बैठना, ये हम कई बार बता चुके हैं क्लास में आप लोगों को। अक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता हम आपको पढ़ा चुके थे, आज पढ़ने वाले हम लोग निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र की तीव्रता, देखो सुनो, कल अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है यह हमने आपको बताया था डिटेल में। और अब समझिए निरक्षीय स्थिति की स्थिति क्या होगी। एक ये है वैद्युत द्विध्रुव, क्या है ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी दूरी 2L है, वैद्युत द्विध्रुव की डिस्टेंस, इसका मिड पॉइंट O है और यहां से यहां तक L डिस्टेंस हो जाएगा और यहां से यहां तक L डिस्टेंस हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति का मतलब यह कि मध्य बिंदु के लंब अर्धक कुछ दूरी पर कोई बिंदु हम लेते हैं, चाहे ऊपर की स्थिति में ले लें चाहे नीचे की स्थिति में ले लें। यहां पर एक बिंदु P है, ऐसा हमने माना है, क्या माना है, एक बिंदु P जिस पर हमें क्या निकालना है, वायुद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इनको मिला लेते हैं, B से मिला देंगे इसे, A से भी मिला देंगे। अब प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम E1 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसकी दिशा होगी B से P की दिशा में, कौन सी दिशा में, B से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर होती है, धन आवेश से, तो प्लस से हम दूर चले जाएंगे और ऋण आवेश की ओर होती है, तो E2 की दिशा P से A की ओर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस दिशा में है E, क्योंकि ये विभिन्न कोण पर है, ये मान लीजिए थीटा कोण है, अगर ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण ही कहलाएगा, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र ना तो अक्ष के अनुदेश सीधा सीधा और ना परपेंडिकुलर है, किसी अलग कोण पर है, तो हमने मान लिया कि ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब समझने वाली बात यहां पर यह है, स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु माना था, तो उस हिसाब से इसकी डिस्टेंस यह है बी ओ पी, एक समकोण त्रिभुज, और यह है लंब और यह है आधार, तो यह कहलाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल, और यही वैल्यू आ जाएगी पी ए की, तो हम लिख लेंगे पी ए बराबर पी बी बराबर है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ई अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर है, तो ई के दो घटक होंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 और E2 के दो घटक होंगे, वो दो घटक कितने होंगे, एक होंगे ऊर्ध्वाधर घटक, इसे मान लिया हमने E1 साइन थीटा और ये हो गया E2 साइन थीटा, क्योंकि ये था E1 और ये था E2, ये E1 था, इसी का रूप बना रहे हैं हम, और ये E2 था, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र E था, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये हो गए, तो यहां पर आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये आपका थीटा कोण और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हम ये जानते हैं कि जो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो परस्पर बराबर हैं
और विपरीत दिशा में है, बराबर हैं और विपरीत, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये बराबर है? ये E1 है, ये E2 है, तो पहले हम E1 और E2 के मान चेक कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में E1 बराबर 1/4πε0 और कितना जाएगा क्यू बटे प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर प्लस, और रूट कवर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और ये दिशा क्या होगी, बी से पी दिशा में। इसके बाद अगर हम E2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ना, यहां से भी डिस्टेंस वही तो है, पी ए पी बी आपस में बराबर, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से ए दिशा में। अब हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि E1 व E2 को परस्पर घटकों में विभाजित किया जा सकता है, नंबर एक ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, जो कि परस्पर समान और विपरीत है, जो परस्पर समान व विपरीत है। बेटा समान इसलिए है कि E1 और E2 का मान समान है, तो ये वैल्यू तो बराबर है, sin थीटा भी बराबर है, दोनों बराबर है और दिशाएं दोनों की विपरीत है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में जाएगा माइनस, और माइनस आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की कहानी तो खत्म हो गई। अब बचा 36 घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो E1 का भी 36 घटक E1 cos थीटा इसी दिशा में है और E2 का भी इसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या जाएगा, नंबर दो, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा जो कि समान दिशा में है अतः जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो E1 और E2 के मान क्या है, बराबर है, यहां क्या लिख सकते हैं अपन लोग, E1 बराबर E2 है ना, तो हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं 2E1 cos थीटा, मतलब हमने E2 के स्थान पे E1 लिख लिया, तो ये E1 cos थीटा कहलाएगा, ये E1 cos थीटा कहलाएगा, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब 2E1 का मान क्या है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रही बात cos थीटा की, तो देखो यहां पे बेटा cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, थीटा के सामने की भुजा ये है लंब, तो आधार ये है एल बटे कर्ण, इतना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये रख देंगे हम एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बराबर में कितना आएगा, देखो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 1/4πε0 क्यू गुणा 2L, क्या क्यू गुणा 2L लिख लिया, और बटे में आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम ये जानते हैं कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, एल स्क्वायर बहुत छोटा है, अतः छोड़ने पर छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ई बराबर ये बन जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा बेटा, पी बराबर क्यू गुणा 2L होता है, तो ये बन जाएगा ई बराबर 1/4πε0 क्यू गुणा 2L, इट मीन्स पी
अपॉन, अब सुनो एल स्क्वायर छोड़ दिया तो आर स्क्वायर की घात तीन बटे दो, घात दो से दो कैंसिल हो गई, आर क्यूब बचा खाली, ठीक है। परिणामी दिशा बी से ए की ओर, बताओ इसकी दिशा किस दिशा में है, बी से ए की ओर, लिखो इसमें, खाली ना लो।